सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स और बेल आइकन को दबाकर क्रिकेट की खबरें पाएं सबसे पहले। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में भारत की पहली पारी के दौरान रहाणे 11 रन बनाकर बेन स्टॉक्स की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। वहीं आपको बता दें, रहाणे को जिस अंदाज में एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया गया वो बेहद ही हैरान करने वाला रहा। हुआ ये कि 47वें ओवर में जब बेन स्टॉक्स की एक गेंद को रहाणे अच्छी तरह से नहीं खेल पाया और गेंद पैड पर जा लगी, जिसके बाद बेन स्टॉक्स ने एलबीडब्ल्यू आउट की अपील की, जिसे अंपायर ने स्वीकार कर रहाणे को आउट दे दिया। के बाद रहाणे ने DRS लिया और जब टीवी एम्पायर जोएल विल्सन ने टीवी रिप्ले में देखा तो वे बेन स्टॉक्स की नो बॉल को सही करार देते हुए आगे बढ़ गए और सीधे LPW फैसले की तरफ बढ़ गए, जिसमें देखा गया कि रहाणे स्टंप की लाइन में पकड़े गए हैं या नहीं। हालांकि रहाणे स्टंप के बिल्कुल सामने पकड़े गए और टीवी एम्पायर जोएल विल्सन ने उन्हें आउट करार दे दिया, लेकिन गेंदबाजी के दौरान बेन स्टॉक्स का पैर लाइन से बिल्कुल बाहर हो गया था, जिसे टीवी एम्पायर ने नजरअंदाज कर दिया। इस गलत फैसले के कारण रहाणे को निराश होकर पवेलियन लौटना पड़ा, जिसके बाद ट्विटर पर भारतीय क्रिकेटरों और फैंस ने गलत एम्पायरिंग की शिकायत कर डाली। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अम्पायर के गलत फैसले से रहाणे को पवेलियन लौटना पड़ा। इस खबर पर आप भी अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस स्पोर्ट्स को भी फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप भी अगर क्रिकेट के शौकीन हैं तो हेडलाइंस स्पोर्ट्स को बिल्कुल फ्री में अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट की सबसे तेज खबरें यही मिलेंगी।